वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून और कल वहाँ से निकलेंगे गांव के लिए। और गांव में थोड़ा कुछ काम था, घर बना रखा था, तो फिर वैसे ही घर हम लोग बंद करके आ गए थे जल्दबाजी में। तो अभी बच्चों की थोड़ा 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, तो फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से फरीदाबाद से। और सानवी को लेके नहीं आए हैं क्योंकि सानवी का 8 तारीख को पेपर है, तो सानवी को छोड़ के आए हैं वहाँ पे। तो सानू को अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, वो तो काफी रोई जा रही, मैं भी काफी रोई, तो उसको दादी के साथ छोड़ रखा है। अभी वो 4-5 दिन के लिए दादी के साथ रहेगी। और इसको लाए हैं अपने साथ शिवी को, क्योंकि ये अभी LKG में है, इसका उतना है नहीं। और सानू 3rd में है, तो उसका भी एक हाफ ईयर एग्जाम साइंस का रह गया था, तो हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया। और हम चले आज देहरादून के लिए, और कल वहां से आगे आप लोगों को दिखाएंगे गाँव तक का सफर। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं आश्रम में CNG भरवाने के लिए। अभी हम आश्रम ही पहुँच रहे हैं और टाइम हो रहा है लगभग 5 बजने वाले हैं, और अभी हम यहीं आश्रम में, पता नहीं हम लोग 10-10:30 तक पहुँचेंगे देहरादून। तो गाइस ये है आश्रम का अंडरपास, जहाँ से कि इंडिया गेट के लिए रास्ता जाता है। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है दिल्ली के बारे में, क्योंकि मैं इतना बाहर निकलती नहीं हूँ घर से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी गाइड कर रहे हैं कि अंडरपास है आश्रम का, और फिर मैंने क्वेश्चन किया कि कहाँ जाते हैं यहाँ से, मतलब तो बता रहे इंडिया गेट और इंडिया गेट कनॉट प्लेस, इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं। और हमको जाना लगभग मेरठ पहुंचने ही वाले हैं, और अभी आप एंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत सा सनसेट। और अभी तक हम मेरठ नहीं पहुंचे हैं, हम लोग यहाँ से, मतलब अभी मैप दिखा रहा है कि कम से कम 11:30-11:30 बजे हम लोग देहरादून पहुंचने वाले हैं। पता नहीं तब तक मम्मी और सो जाएंगे, हमको आज बाहर ही सोना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मेरठ से पहले का। देखो कितने प्यारे प्यारे खेत हैं, देखो वाह शिवान कितना अच्छा लग रहा है ना। हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है, पहाड़ों की अपनी खूबसूरती है, प्लेन्स की अपनी खूबसूरती है, तो कोई भी जगह मतलब बुरी नहीं है। यहाँ पे ये है कि पोल्यूशन है, बट गाँव में वही है कि फैसिलिटी नहीं है, नजारे हैं बट फैसिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो होती है। तो गाइस हम लोग यहाँ देहरादून में पहुँचे हैं 10 बजे करीब, और अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है। मम्मी किचन में कर रही है कुछ काम, मैं दिखाती हूँ। मम्मी यहाँ पे किचन साफ कर रही है, और अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, और मम्मी ने किचन की सफाई अभी। ओके भाना आजी हैं, वही तो मम्मी भी काफ़ी थक गई है क्योंकि टाइम लगभग 11 बज चुके हैं। और यहाँ पे दादी दादा से आप लोगों को कल मिलवाऊंगी, दादी दादा भी सो गए हैं दोनों। और इनको देखिए, इनका ये हाल हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है बच्चों? दादा टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 11:27 हो चुके हैं, और इन लोगों को सोना नहीं है। ये देखिए आदर्श और शिवांश यहाँ पे फोन चला रहे हैं और मजे से, दोनों की एक स्टाइल, एक पैर सीधा और एक पैर ऐसा। और महारानी साहिबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, और हस्बैंड जी का ये है रूम, और हस्बैंड जी यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और आगे की जर्नी, आगे हम लोग गांव जाते हैं क्या होता है, क्योंकि सानू ने वहाँ से काफी रोना धोना मचा रखा है। तो देखते हैं गांव जाने का क्या प्लान हमारा बनता है आगे का। जो भी प्लान होगा आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी, और ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।